हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, मेघो वर्षति। इट मींस होता है इट इज़ रेनिंग, बारिश का मौसम है। और इस बारिश के मौसम में मतलब कि फार्मर का एक छोटी सी बताया गया है कि वो लोग कैसे करते हैं, ठीक है, फार्मिंग वगैरह। तो मेघो वर्षति प्रवहित नीरम तुष्यति कृषिक गच्छति गोष्ठम। इट इज़ रेनिंग, वाटर इज़ फ्लोइंग, द फार्मर इज़ गेटिंग सेटिस्फाइड, ही इज़ गोइंग टू कैटल यार्ड। मतलब कि बारिश हो रही होती है, नीचे जो बारिश है वो गिर रही होती है, पानी जो होता है वो मीन्स बारिश की जो रेन होता है, ठीक है, रेन, तो रेन नीचे गिर रहा होता है। जो फार्मर है वो बहुत खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो अपने कैटल यार्ड में चले जाते हैं। नयति च वृषभ हलमपि वहति कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम। And the farmer is taking the bullock. He is also carrying a plug. He is plugging the farm and sowing seeds. जैसे कि जो farmer होते हैं, जो खेडूत होते हैं, वो तो जाते हैं अपने साथ साथ bullocks को भी लेके जाते हैं और plug करना start कर देते हैं, जो उनको उगाना होता है वो उगाना start कर देते हैं। Plugging हो जाती है farm लोगों की, seeds वगैरह जो है वहाँ पर sow करते हैं। रोहति सस्यम फलति प्रकामम भवति समुद्रम मनु कुल वृद्धि। द क्रॉप इज ग्रोइंग, इट इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील, वेल्थ एंड मेन आर इंक्रीजिंग। मतलब कि जो क्रॉप है, मतलब कि जो उन्होंने उगाया है वो अच्छे से उग जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से उनका प्रोड्यूसिंग अच्छे से होता है और वेल्थ मीन्स कि जो मनी वगैरह जो मिलता है उन्हें, वो उसके लिए भी उनको बहुत अच्छा डील बन जाता है और मैन और वेल्थ का इंक्रीज होने लगता है। वर्षति मीन्स इज रेनिंग, प्रवहति मीन्स होता है इज फ्लोइंग, तुष्यति मीन्स इज सेटिस्फाइंग, कृषिक मीन्स होता है फार्मर, गोष्ठम मीन्स होता है कैटल यार्ड, वृषभ हो मतलब होता है बुलक, कर्षति इज प्लॉगिंग, क्षेत्रम मीन्स फार्म, वापति इज सोइंग, रोहित इज ग्रोइंग, सस्यम मीन्स ग्रीन, प्रकामम एज विश्ड।